फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर परेशान हैं गिलहरियों से तो आपको क्या करना है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी कि गिलहरियां हमारे जैसे ही फ्लावर आते हैं, देखिए जब फ्लावर आते हैं तभी हमारा बगीचा सुंदर सा महकता है। बगीचे में फ्लावर आते हैं, जैसे फल आते हैं, फल मींस वेजिटेबल, या देखिए पीली मिर्च कितनी सुंदर लग रही है, इस तरह से आते हैं तो वो उनकी ब्रांचेस को नीचे से कट कर देती है। नीचे से कट होने के बाद हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं करता है, प्लांट्स में वो ग्रोथ नहीं होती और हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स के नाम ऐसे हैं, देखिए टर्टर वाइन है, या फिर मेरा बैगन का प्लांट है, देखिए बैगन के प्लांट्स पर कितने अच्छे फल आ रहे हैं और इसके साथ साथ देखिए फूल भी आ रहे हैं। तो ये मैंने कई जगह लगा रखा है और वो क्या करती थी, हर बार इसको नीचे से, देखिए यहाँ से नीचे के एरिया को कट कर देती थी, गिलहरी खा जाती थी। पता नहीं इसकी खुशबू उनको बहुत पसंद है या क्या बात है। तो उसके बाद मेरा ये प्लांट बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता था, प्लांट्स ख़राब हो जाता था और सारे फल ख़राब हो जाते थे। देखिए वेजिटेबल ऐसे ख़राब हो जाती थी, और जैसे कि टर्टर वाइन है, बैगन है, और सर्दियों में जो प्लांट आता है डेलिया को भी ये बहुत खा लेती हैं और फ्लावर होने ही नहीं देती। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक अपनाई है जो कि मैं जिसमें कामयाब रही, और फिर मैंने सोचा कि भाई आप लोग भी बहुत परेशान रहते हैं तो मैं आपके साथ भी इस बात को शेयर करूं। तो देखिए जैसे कि मेरा ये गेंदा है, गेंदे को इसकी जो खुशबू होती है उससे गिलहरी इनको इतना पसंद करती हैं कि वो इसको कट कर देती हैं, इसको खा लेती हैं, इसको होने ही नहीं देती। सर्दियों में मेरे पास एक भी गेंदा नहीं होता, आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी। तो मैंने क्या किया, देखिए ये पिन्नी है, इस पिन्नी को मैंने दीवार पर ठोंक दिया है, या मैंने, देखिए आप किसी भी तरह दीवार पर लगा दें, थोड़ी थोड़ी दूराई पर लगा दें, और देखिए मेरा गेंदा कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है। जब इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है धूप का, और रात में भी जब ये चमकती है ना, तो गिलहरियाँ इतना डर जाती हैं कि वो इसके पास नहीं आती हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, ये जो हमारे यहाँ फंक्शन होते हैं ना, तो जब टेबल पर बिछाने के लिए दावत होती है, जब हमारे यहाँ, तो टेबल पर बिछाने के लिए ये यूज़ में आती है, और ये आसानी से आपको डिस्पोजल वालों के यहाँ शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसको लगा कर देखिए, और उसके बाद जो मैंने रिजल्ट देखा कि मेरे पास कोई भी गिलहरी नहीं आती है, और सारे प्लांट्स, देखिए गेंदा है, टर्टर वाइन है, बहुत अच्छा टर्टर वाइन भी मैं दिखा देती हूँ, टर्टर वाइन मैं अभी दिखाऊंगी। इससे पहले ये वाली बेल है, इसको भी पता नहीं, इनको खुशबू बहुत पसंद है, इस तरह से यहाँ से कट कर देती हैं और ये सारा ख़राब हो जाता है। देखिए टर्टर वाइन भी मैंने, ये है मिनी टर्टर वाइन है, ये भी लगा रखी है और ये ख़राब नहीं होती। इसके बाद मैं आपको टर्टर वाइन दिखाती हूँ, देखिए ये टर्टर वाइन है, और इसके लिए मैंने गिलहरियाँ मेरी सारी खा जाती थी। देखिए इस बार बहुत अच्छा सा ग्रोथ हुआ, तो आप लोग भी देखिए, मैंने यहाँ पर भी बैगन का प्लांट है और टर्टर वाइन है, तो मैंने यहाँ पर भी लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी गिलहरियों से परेशान हैं तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस आप लोगों को भी फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो बाय फ्रेंड्स।